वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। सत श्री अकाल, नमो बुद्धाय। जमन निवास साथियों, अस्सलाम वालेकुम साथियों। वॉइस ऑफ मानवता न्यूज चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं मेघराज सिंह अमेरिका से। साथियों, आप सभी जानते हैं कि हम उठाते हैं गरीबों की आवाज़, मजलूमों की आवाज़। विश्व के अंदर हम एक ऐसा काम करते हैं जो बहुत कम लोग इस पर ध्यान देते हैं और बहुत कम लोग जो है इसको कर पा रहे हैं। हमने जो हफ्ते हुए प्रोग्राम चलाए हैं जिसका नाम है सत्य ही धर्म है, सत्य ही धर्म के अंदर हमने बहुत सारे टॉपिक कर चुके हैं, बहुत सारे नए नए इशू लेकर आते हैं आप सभी के सामने। और हम चाहते हैं कि विश्व में शांति आए, विश्व में किसी को नई जानकारी मिल जाए, विश्व के अंदर अगर आदमी आगे बढ़ना चाहे तो कैसे बढ़ सकता है। तो आज का टॉपिक हमारा रहेगा कि इंसान अपना रोल मॉडल किसको बनाए। ये आज का टॉपिक नया है और बहुत सारे कन्फ्यूजन हो देते हैं, बहुत सारे कन्फ्यूज होते हैं लोग कि हम रोल मॉडल अपना किसको बनाएं। और बहुत सारे लोग ऐसा रोल मॉडल बनाते ही नहीं किसी को, ऐसे ही मतलब घूमते रहते हैं, खुद को ही रोल मॉडल समझ लेते हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि मतलब सोच भी नहीं पाते कि सही क्या है कि गलत क्या है। तो आज का जो टॉपिक हमारा रहेगा कि इंसान किसको अपना रोल मॉडल बनाए ताकि उसकी ज़िंदगी में एक नई खुशहाली आ जाए या वो भी एक लीडर बन जाए, ऐसा क्या हो सकता है क्या। तो साथियों, बहुत गंभीर बात है आज की कि रोल मॉडल दुनिया में कोई किसी को बना लेता है। जैसे फॉर एग्जांपल देंगे हम आपको सभी को, जैसे कि कोई किसी को नेता को अपना रोल मॉडल बना लेता है, कोई किसी एक्टर को बना लेता है, कोई किसी को बिजनेसमैन को अपना रोल मॉडल बना लेता है, और कोई किसी को अपने जो खूबसूरत लड़कियाँ होती हैं या लड़के होते हैं उनको अपना रोल मॉडल बना लेते हैं। बहुत सारे ऐसे हैं जो अपने लीडरों को, जो लीडर सच्चाई का काम कर रहे हैं, जो मतलब लोगों को समझाने की बात करते हैं, उनको अपना रोल मॉडल मान लेते हैं। तो ऐसा करने से क्या ज़िंदगी में खुशहाली आ रही है? ऐसा करने से क्या ज़िंदगी में कुछ चेंजिंग आएगी? ऐसा करने से क्या ज़िंदगी में तब्दीली हो सकती है? अगर हम किसी नेता को, किसी टीचर को, या किसी फिल्म एक्टर को, या किसी खूबसूरत को, या किसी खूबसूरत लड़की को, या किसी लीडर को अपना रोल मॉडल मान लेते हैं, तो क्या हम पार हो पाएंगे? क्या हम समझ पाएंगे इस चीज़ को कि असल में रोल मॉडल कौन होता है? तो रोल मॉडल जो है किसको बनाए इंसान, क्या करे इंसान, कैसे किसको रोल मॉडल माने इंसान। रोल मॉडल अगर इंसान बनाना चाहता है किसी और को, ये तो अगर हम किसी को नेता को बनाते हैं या किसी बिजनेसमैन को बनाते हैं या किसी एक्टर को बनाते हैं या किसी खूबसूरत को बनाते हैं या किसी लड़के लड़की को जो भी है या किसी को भी बना लेते हैं रोल मॉडल, तो अगर उस तक हम पहुंच गए तो ठीक है, नहीं तो बाई चांस हो सकता है शायद उनकी ज़िंदगी में क्या कुछ चल रहा होगा, क्या कुछ, क्योंकि अपनी अपनी ज़िंदगी के बारे में सिर्फ अपने आप से इंसान खुद ही जानता है सबसे ज़्यादा, या जो जिसने जिसने सृष्टि बनाई है अल्लाह ताला गोड वाहिगुरु, उससे वो जानता है सब कुछ। नहीं तो हर एक इंसान के बारे में, कोई खुद के बारे में इंसान खुद ही जानता है, चाहे झूठा है या सच्चा है। कोई इंसान जो है सच्चे इंसान तो ये कहते हैं कि हम तो अपने बारे में जानते ही नहीं हैं कि हम क्या हैं, हम तो गुरु अल्लाह गौर की कृपा से जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं। लेकिन एक झूठा इंसान ये कहता है, दावा करता है कि मैं सब कुछ जानता हूँ या मैं सब कुछ कर सकता हूँ, आई डू एवरीथिंग एंड आई नो एवरीथिंग, ऐसे बोल देते हैं। तो ये लोग जो है, जो जिनको कुछ मालूम ही नहीं है ज़िंदगी के बारे में, वो ऐसा बोल देते हैं कि उनको कुछ सब कुछ मालूम है। तो बात कर रहे हैं कि क्या इनको हम लीडर बनाएं।
क्या इनको रोल मॉडल मान लें। मेरा अपना ओपिनियन है कि मेरा जो अपना पर्सनल अनुभव है वह यह है कि किसी भी इंसान को अपना रोल मॉडल मत बनाए, चाहे वो एक्टर है, चाहे वो टीचर है, चाहे वो फिल्मी स्थान का कोई भी है या लीडर है या कोई भी प्रधानमंत्री है या कोई भी है, तो इसको इंसान को लीडर अपना मत बनाए, अपना रोल मॉडल मत बनाए, ताकि उसमें क्या होगा कि अगर इंसान आप उसकी बातें सुन कर के उसको रोल मॉडल मान रहे हैं या उसकी खूबसूरती देख करके उसको रोल मॉडल मान रहे हैं, हो सकता है कि उसकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है वो तो खुद ही इंसान जानता है। लेकिन रोल मॉडल बनाने के लिए इंसान को बहुत कुछ सोचना पड़ता है। अगर रोल मॉडल किसी को बनाते हैं तो कोई भी इंसान किसी के जैसा नहीं बन सकता। हर एक इंसान की अपनी काबिलियत है, हर एक इंसान के अंदर सच्चाई छुपी होती है, हर एक इंसान के अंदर गुणों का भंडार छुपा होता है। हर एक इंसान जो है अपने किसको रोल मॉडल बनाए, तो मेरे हिसाब से मेरा अनुभव पर्सनल अनुभव ये है कि किसी भी इंसान को, चाहे वो नेता है, अभिनेता है, खूबसूरत है, कोई लीडर है, कोई बिजनेसमैन है, कोई भी हो, किसी को अपना रोल मॉडल मत बनाए। अगर बनाएंगे तो वो क्या होगा, उसका असर गलत होगा, क्योंकि अगर आप सिर्फ उसके जैसा बनना चाहते हैं या सिर्फ आप उसको फॉलो करना चाहते हैं, अगर कल को मर जाता है, मरना तो सब नहीं होता है, यहाँ पर दुनिया के अंदर कोई भी आया है, कोई भी है, उसने जाना है दुनिया से, जो पैदा हुआ है, गुरु नानक साहब के 9वें पातशाह जो 9वें स्वरूप हैं वो कहते हैं, जो उपजियो सो विनस है, पर वो आज के काल के जो इसमें जो है संसार के अंदर पैदा हुआ है उसने एक दिन मर जाना है, ये 100% ये गारंटी है कि मरना सच है और जीवना झूठ है, ऐसा गुरु नानक साहब के जो है सिखों ने भी बताया है। तो इसमें जो है रोल मॉडल हम किसको माने, रोल मॉडल अभी हमने तो बिल्कुल साफ मना कर दिया कि किसी इंसान को मत बनाएं, क्योंकि इंसान आज है कल को नहीं है, फिर क्या होगा अगर वो चला जाता है, फिर कौन बनेगा रोल मॉडल। अगर आप किसी इंसान को फॉलो कर रहे हैं तो आप ना तो लीडर बन पाएंगे, आप ना ही कोई बिजनेसमैन बन पाएंगे, एक्टर बन पाएंगे, कुछ नहीं बन पाएंगे अगर आप किसी इंसान को रोल मॉडल मान करके उसे फॉलो कर रहे हैं, उससे उसको रोल मॉडल माना है, तो आप कुछ नहीं बन पाएंगे, ये हम गारंटी के साथ कह सकते हैं। लेकिन हर एक इंसान को रोल मॉडल किसको फॉलो करना चाहिए या रोल मॉडल किसको मानना चाहिए, उसका इससे जो इंसान को अगर रोल मॉडल मान लेते हैं, चाहे किसी का भी है, वह उसको मतलब नुकसान की तरफ ले जाएगा। अभी हमने नुकसान के बारे में बात बता दी आप सभी को, अभी जो फ़ायदा है, फ़ायदा कैसे होगा, जब हम किसको रोल मॉडल मानेंगे तो फ़ायदा उससे क्या होगा, तो उससे ये फ़ायदा होगा कि हम जो पहले रोल मॉडल किसको मानना चाहिए उसको हम बता देते हैं। सबसे पहले रोल मॉडल इंसान को अगर तरक्की करनी है, अगर इंसान को बुलंदियां छूनी हैं, अगर इंसान को अपने बलबूते पर नाम चमकाना है, अगर इंसान को बहुत आगे तक जाना है, अगर इंसान को बेखौफ बनना है, अगर इंसान को आगे बढ़कर लोगों की सेवा करनी है, अगर इंसान को आगे बढ़ कर के मानवता के भले के लिए काम करने हैं, अगर इंसान को आगे चल कर के बहुत कुछ करना है जो अच्छाई के लिए कर रहे हैं, तो इंसान को सच और ईमानदारी को अपना रोल मॉडल मानना चाहिए। अभी आप कह रहे होंगे कि सोच रहे होंगे कि सच और ईमानदारी को कैसे माना जा सकता है, ये तो कुछ शरीर नहीं है, इसको हम क्यों माने लीडर इसको क्यों माने, ऐसा सोच सकते हैं, ऐसा सवाल भी खड़ा कर सकते हैं। ऐसा हम इस करके कह रहे हैं, सच और ईमानदारी लीडर ही लीडर है, सच और ईमानदारी ही लीडर है, क्योंकि जिनको आप सुन करके उनको अपना रोल मॉडल बनाया है, उनके मुँह से कहीं ना कहीं कई बार आपने सच सुना होगा,
अगर इंसान प्यार की भाषा बोलता है, अगर इंसान ज्ञान की बात बोलता है, तो ज्ञान लीडर है, ना कि वह इंसान लीडर है। अगर इंसान कोई किसी को गालियाँ निकालता है तो इंसान कहता है कि ये बेवकूफ़ आदमी है, ये गाली दे रहा है। तो गाली देने वाले को तो कोई लीडर नहीं मानेगा, गाली देने वाले को कोई लीडर नहीं मानेगा। अगर मानेगा भी तो वो मानेगा उसको जो उसके जैसा ही होगा। तो अगर गाली देने वाले को, जैसे आजकल जो है एक आदमी दुनिया के अंदर ऐसे हैं, ऐसे गुजर रहे, नाम तो नहीं लेंगे हम इस प्रोग्राम में, अपने प्रोग्राम में, क्योंकि ये प्रोग्राम हमारा सत्य पर आधारित है, ये प्रोग्राम हमारा सच पर आधारित है। इस प्रोग्राम की हम किसी मतलब जो झूठा इंसान है उसका नाम लेकर हम अपने प्रोग्राम की वैल्यू नहीं घटाना चाहते, क्योंकि सच और सच और सच ही सच है। तो हम इस पर के नाम नहीं लेना चाहते हैं, क्योंकि इसमें इसमें नाम लेना गलत हो जाएगा, क्योंकि हम उसको कोई वैल्यू नहीं देते अपनी ज़िंदगी में, इस करके नाम नहीं लेना चाहते हैं। क्योंकि मुंह के अंदर कुछ और होता है और बोलते कुछ और हैं, मन में कुछ और है, बाहर कुछ और है। अगर ऐसे आदमी को लीडर बनाएंगे, अगर ऐसे आदमी को अपना लीडर मानेंगे, अपना रोल मॉडल मानेंगे, तो भविष्य में जो लीडर जो रोल मॉडल मान रहे हैं वो उससे भी बड़े, वो उससे भी ज़्यादा खतरनाक झूठ बोलने वाले पैदा हो जाएंगे। क्योंकि झूठ जो है, अभी आप सोच रहे होंगे कि जब रोल मॉडल बनने, जब उससे आगे कैसे निकल जाएंगे, जब वो झूठ बोलते हैं तो झूठ बोलने वाले को तो कैसे लीडर हो सकते हैं। ऐसे बहुत सारे दुनिया के अंदर चलता है दुनिया के अंदर ऐसा चल रहा है, दुनिया के अंदर बहुत कुछ ऐसा चल रहा है कि दिखता कुछ और है, होता कुछ और है, अंदर कुछ और है, बाहर कुछ और है, ये चल रहा है सारा कुछ। लेकिन ये अंदर और बाहर कुछ और है, ये कैसे पता लगेगा इंसान को, हमारे अंदर क्या है, सच क्या है, झूठ क्या है, ईमानदारी। जिसके अंदर सच और ईमानदारी टिक जाएगी, जिसके अंदर सच और ईमानदारी की बातें निकलनी हो जाए, शुरू हो जाए, जिसके अंदर से प्यार और समानता, इंसानियत पैदा हो जाएगी, जिसके अंदर एक सद्भावना पैदा हो जाएगी, जिसके अंदर इंसानों के प्रति प्यार पैदा हो जाएगा, जिसके अंदर इंसानों के प्रति लगाव पैदा हो जाएगा, जिसके अंदर इंसानियत के प्रति एक भावना पैदा हो जाएगी, तो उसको कहते हैं लीडर, उसको कहते हैं सच्चा और ईमानदार। सच और ईमानदारी से ही इंसान लीडर बनता है। जो आजकल के लीडर घूम रहे हैं, बहुत सारे झूठ पर टिके हुए हैं, बहुत सारे अपने आप को लीडर बना लेते हैं, वो लीडर तो छोड़ो, चपड़ासी बनने के लायक भी होते हैं। रोल मॉडल उसको माने आप, सच्चाई और ईमानदारी। अगर इंसान के अंदर सच्चाई और ईमानदारी होगी तो वह झूठे और सच्चे इंसान की पहचान कर सकता है। अगर सच्चाई और ईमानदारी इंसान के अंदर होगी वो तभी इंसान को दूर से पहचान सकता है, ये कौन किस किस्म का आदमी है। अगर सच्चाई ईमानदारी ही अगर आदमी के अंदर होगी तो भविष्य की जानकारी दे सकता है। अगर वो सच्चाई ईमानदारी इंसान के अंदर होगी तो वह इंसान इंसानों को सुधारने की बात करेगा। अगर सच्चाई ईमानदारी इंसान के अंदर होगी वो हर एक आदमी को लीडर बनाने की क्षमता रखता है। अगर ये हर एक इंसान रोल मॉडल बन सकता है। अगर सच्चाई ईमानदारी इंसान के अंदर होगी वो बेखौफ डर से रहित हो जाएगा। अगर सच्चाई ईमानदारी होगी तो लीडर वो रोल मॉडल होगा तो इंसान दुखों में भी सुख महसूस करेगा। अगर सच्चाई ईमानदारी होगी तो बड़े बड़े दुख भी छोटे छोटे नज़र आएंगे। अगर सच्चाई ईमानदारी हमारा रोल मॉडल होगा तो दुनिया के अंदर एक दिन नाम चमक जाएगा। अगर सच्चाई ईमानदारी हमारे रोल मॉडल होगा तो दुनिया सलाम करेगी खड़ी होकर के। अगर सच्चाई ईमानदारी हमारा रोल मॉडल होगा तो दुनिया के अंदर एक दिन नाम चमक जाएगा। नहीं तो अगर इंसान को अपने किसी इंसान को लीडर मानेंगे या रोल मॉडल मानेंगे, आप अपने आप को भी भूल जाएंगे कि आप कौन हैं। अगर इंसान को रोल मॉडल मानेंगे तो आप कभी भी अपने मंजिल पर नहीं पहुंच पाएंगे। तो मेरी उम्मीद है आप सभी से, मैं रिक्वेस्ट करता हूं आप सभी को कि सच्चाई और ईमानदारी को अपना रोल मॉडल बनाएं और अपने दुनिया के अंदर, विश्व के अंदर अपना नाम चमकाएँ। क्योंकि गुरु नानक साहब कहते हैं, सच्चे मार्ग चल दिया उस्तत करे जहान,
कि ये सच्चे मार्ग ऐसा है, इसमें शांति ही शांति है, सुख ही सुख है। अभी क्या, अभी आप सोच रहे होंगे कि सच्चे आदमियों को तो बहुत बड़े बड़े सजा भोगनी पड़ी है, सच्चे आदमियों को तो सूली पर चढ़ना पड़ा है, फिर इसमें सुख ही सुख कहाँ से आया है? ऐसा कह सकते हैं, ऐसा होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो सच्चाई है, जो आदमी सच के साथ एकमिक हो जाता है, वो सदैव सुख के अंदर पहुँच जाता है। उसको इस शरीर के साथ उनको लेना देना नहीं होता है। ये शरीर तो एक ऐसा है, उनके लिए एक जैसे घर है, झोंपड़ी बना लिए, उसमें रह लिए, टूट गए, चले गए, कुछ फर्क नहीं पड़ा है। तो ऐसा उसके लिए शरीर ऐसा होता है। शरीर के साथ में कभी भी इंसान का जो मन है, मन को इंसान का अगर मन शांत हो गया, मन को इंसान मन राजा बन गया, तो कोई दुनिया का ताकत उसको भिखारी नहीं बना सकता, कोई दुनिया की ताकत उसको नहीं झुका सकती, कोई दुनिया उसको सजा नहीं दे सकता, क्योंकि उसका मन पवित्र है, उसका मन वाहेगुरु का है, उसका मन अल्लाह का, उसका गोड़ का है। और ये जो है रोल मॉडल सच और ईमानदारी को बनाए, और सर्व सुख, सारे सुख, सारे जो है अपने अंदर से ही पाए। तो उम्मीद करता हूँ आप सच और ईमानदारी को अपना लीडर बनाएंगे, अपना रोल मॉडल बनाएंगे। अगर सच और ईमानदारी को अपना रोल मॉडल बनाते हैं तो आप भी एक दिन लीडर होंगे, ये हम गारंटी के साथ कह सकते हैं। उठो, जागो और अपनी आपको पहचानो और सच्चाई ईमानदारी को अपना लीडर माने। थैंक यू सबका, सत श्री अकाल, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी पर, अस्सलाम वालेकुम, जय जोहर, थैंक यू।